नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हैं गंगा ढाबे पर लंबे अरसे के बाद, और हमारे साथ हैं एमसी दिनों के मेरे बैचमेट रहे अक्षय दुबे साथी जी। वे फिलहाल आउटलुक में पत्रकार हैं। अभी छत्तीसगढ़ क्राइसिस जो है, पॉलिटिकल क्राइसिस जो सरकार के मुख्यमंत्री हैं उनके होने बने रहने पर जो अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे, उस पर इन्होंने एक बहुत सुंदर रिपोर्ट की है। और साथ में बैठे हैं ज्ञान प्रकाश जी, सोशियोलॉजी में ये पीएचडी कर रहे हैं, और हैं विकास, ये भी सोशियोलॉजी में थे एमए में, और पंकज भाई हैं सीपीएस में पीएचडी कर रहे हैं, राहुल रंजन हैं ये बिहार की छात्र राजनीति में सक्रिय थे, अभी भी हैं, और आरजेडी की राजनीति करते हैं। अक्षय भाई जो है पत्रकारिता के अलावे साहित्यिक अभिरुचि के लिए भी जाने जाते रहे, और आईएमसी में बहुत सुंदर सहज कविताएं सुनाया करते थे। आज हम यह लोभ संवरण नहीं कर पा रहे हैं कि उनसे फिर से हम उनकी कुछ मौलिक रचनाएं सुने, तो अक्षय भाई कुछ सुनाएंगे आज। शुक्रिया भाई। किसानों की स्थिति पे दो लाइन पेश करता हूँ। उसका बोया सारा शहर खाता है, उसका बोया सारा शहर खाता है, ताजुब ये है कि वो जहर खाता है। भूख से बेकल बच्चे की माँ पूछ रही है, भूख से बेकल बच्चे की माँ पूछ रही है, मन रखने के लिए चांद रोटी बन जाए। अपना बोया कहाँ काट कर वो खाता, ताजुब नहीं किसान अगर बागी बन जाए, और ये अपना सब सूरज चांद बचा के रख, ये अपना सब सूरज चांद बचा के रख, भूख हमारी जाने कब आंधी बन जाए, और मन ही मन में सबने अदावत ठान रखी है, शर्म अगर बाकी हो तो साथी बन जाए। क्या बात, क्या बात, साथी बन जाए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कुछ कहानी और पेश करता हूँ जी। बहारों से गुजर कर ही खिजा तक बात पहुँचेगी, बहारों से गुजर कर ही खिजा तक बात पहुँचेगी, वफा होगी यहाँ तब ही वफा तक बात पहुँचेगी। बहुत घाटे उठाए हैं नफे की बात में आकर, पूरा राजनीतिक प्रदेश याद कर लीजिए जी जी। बहुत घाटे उठाए हैं नफे की बात में आकर, बता नुकसान के जरिए नफा तक बात पहुँचेगी, वफा होगी यहाँ तब ही वफा तक बात पहुँचेगी। तभी रह जाती है रहमत यहाँ वाइज की फाइल में, तभी रह जाती है रहमत यहाँ वाइज की फाइल में, शेख साहब के दफ्तर से खुदा तक बात पहुँचेगी, वफा होगी यहाँ तब ही वफा तक बात पहुँचेगी। दवा दुआ ही एक सहारा है बुझे मन को मनाने का, हौसला मत हारिए, अंतिम में दुआ ही कर लीजिए। दुआ ही एक सहारा है बुझे मन को मनाने का, पकड़ में नब्ज आए तब दवा तक बात पहुँचेगी, वफा होगी यहाँ तब ही वफा तक बात पहुँचेगी। और आप लोग भाषा के भी लोग हैं, जिज्ञासु भाई, नजा बदलाता है अल्फाज में अदना सा एक नुक्ता, नजाकत लाता है अल्फाज में अदना सा एक नुक्ता, तेरे काजल लगाते ही बला तक बात पहुँचेगी, वफा होगी तब ही वफा तक बात पहुँचेगी। हवाओं से कभी जब शौक हो आंखें मिलाने का, हवाओं से कभी जब शौक हो आंखें मिलाने का, सुनो सम्मा जला लेना हवा तक बात पहुँचेगी, वफा होगी यहाँ तब ही वफा तक बात पहुँचेगी। और किसने कहा था ना कि कानून के साफ उसी को डसता है जिनके पांव नंगे होते हैं, तो गुनहगारों की बदनीयत हमारी बेगुनाही पर, गुनहगारों की बदनीयत, आज अंदर गए भाई अमिताभ,
ठाकुर जी। गुनाहगारों की बदनीयत हमारी बेगुनाही पर हो तब तय मानिए साहब सजा तक बात पहुँचेगी, वफा होगी यहाँ तब ही वफा तक बात पहुँचेगी। और मुख्तबर के होता हूँ अपने माथे के बल को, हमको ऐसे बैठना नहीं है ये तमाम निराशाएं उसके बावजूद जी जी जी, अपने माथे के बल को यूं ही मुट्ठी में जो भींचोगे, अपने माथे के बल को यूं ही मुट्ठी में जो भींचोगे जहां तक चाहोगे साथी वहां तक बात पहुंचेगी, यहां तब ही वहां तक बात पहुंचेगी। और आखिरी लाइन पे करता हूं कि माफ कीजिएगा छोटी सी चूक हो गई, कुछ उंगलियां यूं मुड़कर बंदूक हो गई। थैंक यू, बहुत सुंदर। अच्छा एक मतलब तरन्नुम में तो आपने पढ़ाई जो आप सबसे सेलिब्रेटेड पोएम्स में से एक थी, और हम लोग अक्सर दिल्ली में जहाँ कहीं जाते थे आपसे इसरार होता था कि आप उसको जरूर सुनाएं, और वो राष्ट्रपिता गांधी के ऊपर आपने लिखी थी, हम सब लोग उसको बहुत सराहते थे उस कविता को। कोशिश करता हूँ जी जी, हो सकता है कुछ लाइनें भूल जाऊं, कोई बात नहीं, जितना याद आती जाए। राजघाट में सोया गांधी, राजघाट में सोया है, राजघाट में सोया गांधी, राजघाट में सोया है, रावण के बीच में घुटने टेक, हर बार ये गांधी रोया है, हर बार ये गांधी रोया है, हर बार ये गांधी रोया है, राजघाट में सोया गांधी, राजघाट में सोया है, लाखों रावण के बीच खड़ा बेचारा सा गांधी है। ये पंक्ति मुझे तब आई थी, मेरे एक शहर में एक जगह है गांधी चौक, और दशहरे के दिन उसके इर्द गिर्द रावण के पुतले बिकते हैं बिलासपुर में जी। तब ये पंक्तियां मेरे अंदर आई थी, लाखों रावण के बीच खड़ा बेचारा सा गांधी है, देखो तिल तिल मरता दीपक आगे केवल अब आंधी है, आगे केवल अब आंधी है, आगे केवल अब आंधी है, मैं बोला था ना कि मैं उसकी लाइनें भूल जाऊंगा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत सुंदर। क्योंकि उसके बाद मैं आयोजन से निकलने के बाद पंक्तियां पढ़ाई नहीं, लेकिन यह काफी हम लोग जहाँ भी बैठते थे तरन्नुम में, और आपका कंठ भी उतना ही मतलब बच्चन जी वगैरह कितने लोकप्रिय थे, क्योंकि वो गाकर भी सुनाते थे, और कौन पंत भी, क्या सुमित्रानंदन पंत, और गोपाल सिंह नेपाली, नेपाली भी बहुत गीतों के राजकुमार के, जी का अवतार। एक मैं सुनाता हूँ, मैं वो जेएनयू में ही जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो कविता मैं एक लगेगी चोट बर्बत पे तो नाले फूट निकले जी, ठीक है वो कविता, उसमें मोदी जी का आना नहीं हुआ था देश की मतलब केंद्रीय राजनीति में, तब वो कविता मैंने लिखी थी, और जेएनयू हम लोग कई जगह उसको नुक्कड़ नाटक के जरिए पेश भी किए थे, इसलिए बस्तर को लेकर भी है वो जी। सूखी सूखी रोटियां, सूखी सूखी पत्तियां, सूखी अतड़िया, सूखी सूखी पत्तियां, सूखी अतड़िया, जब से कारखाने के पांव यहां लद गए, जब से कारखाने के पाव यहाँ गड़ गए, महुए और तेंदु के पात सारे झड़ गए, अरे पावों में बंध गई अब हमारी बेड़िया, पावों में बंध गई अब हमारी बेड़िया, पावों में बंध गई अब हमारी बेड़िया, सूखी सूखी पत्तियां, सूखी अतड़िया, थाली और लोटे की ठंडन अब बच गई, माटी की मटकी थी वो भी अब फूट गई, थाली और लोटे की ठनठन अब बच गई, माटी की मटकी थी वो भी अब फूट गई, अरे हम ओढ़े बैठे हैं जूट की चादरिया, हम ओढ़े बैठे हैं जूट की चादरिया, हम ओढ़े बैठे हैं जूट की चादरिया, सूखी सूखी पत्तियां, सूखी अतड़िया, भूखों को मिलती है बंदूक की गोलियां, सूखी सूखी पत्तियां, सूखी अतड़िया, बहुत अब आगे सिलसिला बढ़ाया जाए, कारवा बढ़े, हाँ ज्ञान कुछ सुनाए, इसी टाइप का नंद तो उसमें गाता है ना, जन सभा से पुरवा दे,
क्या क्या जेंट्स ऑफ वासेपुर में ऐसा ही गाता है ना वो रिपीट में जो है पीयूष मिश्रा वाला। पीयूष मिश्रा का कौन सा था उसमें? कोई चांद बगल में चांद होगा, बगल में चांद होगा इसी टाइप का गाता है ना, जैसे आप गा रहे हैं एकदम लग रहा है कि हाँ बिल्कुल वही। बहुत सुंदर वाकई, वहाँ के हालात को बहुत अच्छे से बयान किया। जासू भाई से भी सुनेंगे, बहुत लंबा समय हो गया उनसे भी सुने हुए। मैं लिखता तो नहीं, मैं किसी और की रचना सुनाऊंगा। आपके जुबान सुनने के बाद लगता है कि वो रचना आपकी ही है। क्या तो ज्ञान अभी सुनाएंगे।